आज की सबसे बड़ी खबर, देश के बेरोजगार नौजवान छात्रों ने देश के हीरो की औकात दिखा दिए। देश का ये हीरो अब छात्रों का दुश्मन बनता जा रहा है, क्योंकि ये अपनी मन की बात करता है लेकिन छात्रों के मन की बात इसे सुनाई नहीं देती। आज इन छात्रों के सीने में जो आग लगी है, जिसका उदाहरण है ट्विटर पर वायरल हो रही है फोटो, क्योंकि देश का ये हीरो बेरोजगारों का दुश्मन बन चुका है। देश का हीरो अपने ही काम में व्यस्त है, जब वोट मांगने की बारी आती है तो ये छात्रों से वोट के लिए भीख मांगते हैं, और जब छात्रों के लिए कुछ करने की बारी आती है तो छात्रों से ये भीख मंगवाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बिना किसी गलती के रेलवे ग्रुप डी के 4.5 लाख अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए बोर्ड द्वारा, और इस मुद्दे को लेकर खान सर ने भी अपने चैनल पर वीडियो बनाया और आप सभी को सपोर्ट किया। खान सर के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, खान सर ने जो किया वो काबिले तारीफ है। साथियों, अगर आपने RRC रेलवे ग्रुप डी भर्ती में आवेदन किया और आप एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर आई है, इनवैलिड फोटो और सिग्नेचर की वजह से छात्रों के फॉर्म बोर्ड ने निरस्त कर दिए, लेकिन छात्रों का कहना है कि सेम फोटो और सिग्नेचर उन्होंने NTPC और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त किया था। NTPC का फॉर्म एक्सेप्टेड किया गया, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निरस्त कर दिया गया और इसी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। अब 26 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप पढ़ सकते हो, रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में आवेदन के दौरान 4.5 लाख छात्रों के फॉर्म निरस्त करने के मामले की सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी, यानी कि कोर्ट भी अब तारीख पर तारीख दे रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सिद्धार्थ मिश्रा के मुताबिक 26 जुलाई को टॉप 10 केसों की सूची में इसे रखा गया। साथियों, जब तक आपको न्याय नहीं मिलता, इसी तरह हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और आपकी आवाज़ अब हमारी आवाज़ है। आपकी आवाज़ का डंका इसी तरह से हम सरकार के कानों में बजाते रहेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करना ना भूले, ताकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुँच सके।